हेलो एवरीबॉडी, आवर टुडेस टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। इसके पहले हमने केवीएस के प्रिपरेशन के लिए पीजीटी और टीजीटी के लिए फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, जो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसको हमने तीन पार्ट में अपलोड किया था। आज हम पढ़ने वाले स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उसे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसमें इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो टॉपिक्स, वो मैं आपको पहले बता दूं। इसमें हमने पूरा सिलेबस कवर किया है पीजीटी का, केमिस्ट्री का। तो ये पीजीटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही में टीजीटी का जो सिलेबस है वो भी इसमें ऑलरेडी कवर्ड हो गया है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज गैसेस के बारे में, देन लिक्विड एंड सॉलिड्स, देन वी विल स्टडी द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एंड देन वी विल डिस्कस द लॉज गवर्निंग आइडियल गैसेस बिहेवियर। नेक्स्ट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑन मॉलिकुलर मोशन, देन हम लोग पढ़ेंगे रियल गैसेस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और हम पढ़ेंगे वैन डेर वाल इक्वेशन, देन लिक्विड एंड देयर प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे इसमें। तो इतने टॉपिक को हम आज कवर करेंगे, और जो सॉलिड्स के जो बिहेवियर है वो अलग से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सॉलिड स्टेट को डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो बाकी ये जो टॉपिक हमने अभी बोला, ये सारे डिस्कस हम करेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। तो पहले जान लेते हैं मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस आर कॉल्ड मैटर। सो बेसिकली थ्री इसके स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। अदर टू आपने सुना होगा, फाइव स्टेट्स होते हैं इसके, जो कि है एक प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, बट मेनली हम ये दो के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, और इसी तीनों के से क्वेश्चंस ज़्यादा अराइज होते हैं। तो लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं, प्लाज्मा जो होता है दैट इज़ सिमिलर टू गैस, इन विच अ सर्टन पोर्शन ऑफ द गैसियस पार्टिकल्स आर आयोनाइज्ड, लाइक एग्जाम्पल होता है फ्लेम्स। जैसे फ्लेम्स होता है जस्ट उसके सिमिलर है, मतलब ये जस्ट सिमिलर है गैस के ही, लेकिन इसके जो गैसियस पार्टिकल्स हैं ये आयोनाइज फॉर्म में होते हैं। तो ये होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होता है, तो ये एक सुपर फ्लूइड फेज है जो कि फॉर्म होता है एटम से व्हेन इट इज़ इन सुपर कूल स्टेज। सो बहुत ही कूल करके इसे बनाया जाता है, दैट टेम्परेचर इज नियर बाय ज़ीरो। तो ये होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बट बेसिकली जितना देखा है केवीएस में और पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओनली ऑन द टॉपिक ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मेनली। लेट अस डिस्कस नाउ व्हाट इज मैटर मेड ऑफ। सो मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ एटम्स। सो पहले हम थोड़ी बेसिक्स चीज़ें सीख लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल को अप करते जाएंगे। सो मैटर इज एक्सप्लेन बाय द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ इट्स एटम्स। लाइक अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर को हम H2O लिखते हैं। तो मैटर जो होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से, जो कि बहुत छोटे होते हैं और हम इसे नेकेड आई से देख नहीं सकते। सो वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, और दीज आर वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एटम्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन एलिमेंट। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ एटम। सिर्फ एक तरह के एटम से बनने वाले जो एक सब्सटेंस है, जिसे हम एलिमेंट बोलते हैं, और अभी हमारे प्रेजेंट यहाँ पर मोर देन हंड्रेड एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। सो वेज दैट मेकअप ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स वी एनकाउंटर। फॉर एग्जाम्पल, सो जितने भी लिविंग और या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। तो एग्जांपल के लिए कार्बन जो होता है, एक कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के में जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एटम से मिलकर कार्बन बना होता है, वो एंटायरली सेम होते हैं, सेम टाइप के एटम से मिलकर कार्बन बना होता है। मतलब कार्बन को आप किसी भी तरह से कितने भी छोटे पीसेस में कट करेंगे तो हर पीस की जो आइडेंटिटी है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो सेम होगी जो एक बड़े कार्बन की होगी।
नेक्स्ट है सोडियम. सोडियम भी इंटायरली सोडियम एटम से मिलकर बना होता है, मतलब एक छोटे से उसके पार्ट में भी सोडियम के वो सारे गुण होते हैं जो कि एक बड़े पार्ट में सोडियम का होता है. सो एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली इनटू मोर सिंपल सब्सटेंसेस. सो लेट अस डिस्कस द एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैटर, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. जैसा कि हमने पढ़ा, एटम सबसे छोटा फॉर्म होता है जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. नेक्स्ट, एटम से मिलकर एलिमेंट्स का एलिमेंट बनते हैं, फिर एलिमेंट्स से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, देन मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड्स भी बनाते हैं. तो ये है स्टेजेस. जैसे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर, तो वाटर में क्या होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं और वो जुड़े होते हैं एक ऑक्सीजन के साथ. एटम्स हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लाइक वॉल्यूम, मास, शेप. एक एटम जो होता है उसमें सारी प्रॉपर्टी होते हैं एक मैटर के, जैसे कि वॉल्यूम होता है उसमें, कुछ मास होता है और उसका एक शेप होता है. सो ऑल एटम हैव मास एंड अकॉपी सम स्पेस. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. Now measuring matter, we can measure in both the terms like volume and mass. The amount of space matter take up use measuring cup or gratitude to find volume. तो जितना एक measuring cup में जगह लेता है कोई matter, हमें उसका volume कहते हैं. But mass की बात करें तो mass is the amount of matter in an object. Use a balance or a scale to find mass. जब हम balance में या किसी scale में उसे measure करते हैं तो उसका जो measurement आता है उसे हम उसका mass कहते हैं. But volume की बात करेंगे तो volume वो measuring cup में जितना space लेता है उसे हम उसका volume कहते हैं. तो ये बहुत ही basic चीज़ें हैं. नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे. सो द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो एट रूम टेम्परेचर मोस्ट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन वन ऑफ थ्री फिजिकल स्टेट. कोई भी सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर एक स्टेज में अवेलेबल हो सकता है, या तो वो सॉलिड स्टेज में हो सकता है, या फिर वो लिक्विड हो सकता है, अदरवाइज इट कैन बी अ गैस. सो 7G सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो यहाँ पे हमने ये टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हमने कर लिया. अभी हम करने वाले हैं द प्रैक्टिकल मॉडल, देन वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, देन डिफ्यूजन. और तो ये देखते हैं एक प्रैक्टिकल मॉडल क्या होता है. तो द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन बी एक्सप्लेन बाय द प्रैक्टिकल मॉडल. सो ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो भी सब्सटेंसेस हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, और ये पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से. सो सम पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट स्ट्रांगली टू ईच अदर एंड अदर वीकली. द पार्टिकल्स मूव अराउंड एज दे डिस्क्राइब एज हैविंग काइनेटिक एनर्जी. इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, सभी पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की होती है वो इंक्रीज होती है विथ द टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो फास्ट मूव होने लग जाते हैं. अब बात करेंगे फेजेस की. तो फेजेस में फर्स्ट है सॉलिड. सो पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड होते हैं टुगेदर एंड डू नॉट मूव पास्ट ईच अदर. दे वाइब्रेट इन प्लेस. सो दिस इज द फेज ऑफ स्टेज ऑफ मैटर ऑफ सॉलिड. नाउ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड की बात करें तो जैसे आइस है, आपने देख रहा है पिक्चर में, जो जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें सॉलिड मैटर के एग्जाम्पल है. तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एनी सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. एग्जाम्पल मार्बल. सो मार्बल का शेप स्फेयर होता है और वॉल्यूम हम इसे निकाल सकते हैं इसे मेज़र करके. कैसे निकालेंगे वॉल्यूम को, अगर एक वॉल्यूम इसका निकालना है तो एक कोई यूटेंसिल में हम वाटर रखेंगे
और उसके अंदर इसे ड्रॉप करेंगे तो हम देखेंगे कि कितना वाटर डिस्प्लेस होके उसमें से बाहर आया है, दैट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेयर. सो पार्टिकल्स इन अ सॉलिड, सो हाउ डू द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड मूव, किस तरह से सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते हैं. तो सॉलिड के पार्टिकल्स यूजुअली मूव नहीं करते हैं, बट इन इफ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स आर स्टिल टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड दे स्लाइड मूव पास्ट ईच अदर, हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप. लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होता है. एंड लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर. हम जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है और लिक्विड के का वॉल्यूम डेफिनेट होता है. सो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल है जैसे ऑरेंज जूस है, ये आपने ऑलरेडी सब जानते हैं ये सारी चीज़ें कि उसका शेप होता है. सो इट टेक्स द शेप ऑफ द ग्लास. और अगर वॉल्यूम की बात करें, इट कैन बी फाउंड यूजिंग द बीकर और ग्रेजुएटेड सिलेंडर. किसी चीज़ में हम मेजर करके उसका मेजरमेंट वॉल्यूम जान सकते हैं, बट हम उसे जिस भी कंटेनर में उसे ट्रांसफ़र करेंगे वो उसका शेप ले लेगा. जस्ट एग्जांपल ऑफ लिक्विड्स देख लेते हैं, जैसे कि मिल्क है और वाटर है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स. नेक्स्ट, हाउ डू द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड मूव. सो यहाँ पे आप देखेंगे हम किस तरह से एक लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं. तो ये है नेक्स्ट है फेजेस ऑफ मैटर, दैट इज गैस. अगर गैसेस की बात करेंगे तो पार्टिकल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड हैव सो मच एनर्जी दे स्लिप पास्ट ईच अदर क्विकली. सो एग्जाम्पल ऑफ गैसेस आर, जितने भी तरह के गैसेस होते हैं वो गैसेस के एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे धुआं देख रहे हैं आप, और जो भी ऑक्सीजन है ये एक टाइप का गैस है. एंड गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. ये याद रखने की चीज़ है कि गैसेस का ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है. सो एग्जाम्पल स्मोक, शेप नॉट डेफिनेट, वॉल्यूम ऑल्सो नॉट डेफिनेट. सो गैसेज आर यूजली ऑलवेज एक्सपैंडिंग. सो हाउ डू द पार्टिकल्स इन अ गैस मूव. सो अब यहाँ पे है आपके लिए कि वॉट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ ईच सबस्टेंस. ऑक्सीजन जो होता है इसका स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या, कौन से स्टेट में होता है, तो वो गैसीय स्टेट में होता है. परफ्यूम, परफ्यूम कौन से स्टेट में होता है, ऑरेंज जूस, वुड, हीलियम एंड आइस. ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं. नेक्स्ट है जेली, पेपर, टूथपेस्ट, फ्लोर, फोम, स्पॉन्ज केक और आइसक्रीम. इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे ये आप बताइए. नेक्स्ट है व्हाट काउजेज मैटर टू चेंज फेजेस. एनर्जी, द एडिंग और रिमूविंग ऑफ हीट. अब क्या है जो फेजेस चेंज करने में मैटर का फैक्टर होता है, तो या तो एनर्जी है या फिर इसमें से हीट निकालना या फिर हीट डालना, जिसे कि जिसे हम कन्वर्शन ऑफ मैटर भी कहते हैं. ऐसा करने से क्या होता है कि मैटर जो होते हैं लिक्विड टू सॉलिड एंड सॉलिड टू गैस, समटाइम्स गैस टू सॉलिड, ये इंटर कन्वर्शन ऑफ मैटर के रूप में चेंज होते हैं. सो एनर्जी इज वॉट चेंजेज अ फेज ऑफ मैटर. सो ऑर्गन बॉयल्स एट 180°C. सो वेन यू होल्ड इट एट रूम टेम्परेचर यू कैन सी ऑल थ्री फेजेस एट सेम टाइम. क्या होता है कि ऑर्गन बॉल 180°C पे बॉयल करता होता है, तो जब आप इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे तो आप इसके थ्री फेजेस एक साथ देख पाएंगे. सो द इज एनर्जी बीइंग एडेड और टेकन अवे इन द फेज चेंज. क्या सॉलिड से लिक्विड बनने में या फिर लिक्विड से गैस बनने में क्या एनर्जी चेंज होती है, ऐड होती है या रिमूव होती है. सो द एडेड एनर्जी इज काउज्ड द चॉकलेट पार्टिकल्स टू स्पीड अप बिफोर दे वेयर वाइब्रेटिंग इन प्लेस. सो नाउ दे आर मूविंग फास्ट इनफ टू स्लिप पास्ट वन अनदर.
So is energy being added or taken away in this phase change, liquid to gas? अगर liquid to gas की बात करेंगे तो इसे हम बोलते हैं liquid से gas process जो होता है ये vaporization होता है और अगर gases to liquid होता है तो ये condensation होता है. So अगर liquid से gaseous हो रहा है यहाँ पर क्या energy change होगी? Yes, definitely the added energy has caused the water particles to speed up. Before they were moving fast enough to slip past one another. Now they have enough energy to break away from one another and expand. So is energy being added or taken away in this phase change? अब ये देख लीजिए, एक example है liquid से solid का. Interconversion है liquid से solid का. Liquid से solid बनना process बोला जाता है solidification. अब इसमें आप बताइए कि क्या एनर्जी ऐड किया गया है या एनर्जी रिमूव किया गया है. तो यहाँ पे एनर्जी को निकाला गया है. टेकिंग अवे एनर्जी फ्रॉम रेन ड्रॉप्स स्लोज द वाटर मॉलिक्यूल्स डाउन सो दैट दे आर नो लॉन्गर स्लाइड पास्ट वन अनदर. ऐसा ही होता है जब हम घर में रेफ्रिजरेटर में पानी को रखते हैं और वो सॉलिड बन जाता है तो वहाँ भी हम उसकी एनर्जी निकालते हैं, उसके जो हीट एनर्जी को निकाल लेते हैं और वो अपना कन्वर्शन कर लेता है. तो ये था इंटर कन्वर्शन. सो वंस अगेन वी विल रिव्यू ऑल द कन्वर्शंस लाइक फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड जो प्रोसेस होता है, सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं एंड लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन. सो इफ यू विल टॉक अबाउट लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन एंड जस्ट रिवर्स गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. Solid to gas and gas to solid both are called sublimation. So types of intermolecular forces की अगर बात करेंगे हम तो the force of attraction existing among the molecules of substance like gaseous solid or liquid are called intermolecular forces. So greater the intermolecular forces higher is the melting and boiling point. अब जितना ज़्यादा इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उतनी ज़्यादा होगी. और अगर बात करेंगे अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तो दैट आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड हियर. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. सो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज. फर्स्ट है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेज एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पॉसेसिंग परमानेंट डाइपोल्स. जैसे कि बात करेंगे अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन इसके बीच में बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन के ऊपर एक चार्ज आता है जिसे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है. सो द इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर दैन द लंडन फोर्स और वीकर दैन द आयन आयन इंटरैक्शन. अब अगर बात करेंगे हम यहाँ पे तो इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर दैन लंडन फोर्स एंड वीकर दैन आयन आयन इंटरैक्शन. अनदर वन टाइप ऑफ फोर्स इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. So dipole induced dipole forces act between the polar molecules having permanent dipole and the molecules lacking permanent dipole. इसमें क्या होता है कि dipole include ऐसे जहाँ पे होता है act होता है ऐसा force जहाँ पे एक polar molecule है और एक permanent dipole है और उनके बीच में और molecules यहाँ पर लैकिंग करते हैं परमानेंट डाइपोल को. जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम लोग. जैसे अगर बात करेंगे हम तो ए और बी, ए एंड बी बोथ आर सम एलिमेंट. सो यहाँ पे अगर बात करेंगे ए के ऊपर अगर डेल्टा प्लस चार्ज है और बी के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज है और यहाँ पे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो बनता है ए एंड बी यहाँ पर क्या होता है कि इस ए के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है और बी के ऊपर डेल्टा माइनस. सो दिस इज कॉल्ड परमानेंट डाइपोल. इस फॉर्म को हम बोलते हैं परमानेंट डाइपोल. और अगर चार्जेस की बात करेंगे तो इन दोनों चार्जेस के बीच में डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल. इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ऐसा होता है.
और एक पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल होता है और परमानेंट डाइपोल अ पोलर मॉलिक्यूल. सो नेक्स्ट इज डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस. लंडन फोर्सेस क्या, हमने जस्ट अभी डिस्कस किया लंडन फोर्सेस के बारे में. लंडन फोर्सेस क्या है, दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट अमोंग नॉन पोलर एटम्स एंड मॉलिक्यूल. अमोंग द एटम्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल दीज आर द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. दीज फोर्सेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल और इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज. लंडन फोर्स जो होता है वो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो ये फोर्स बढ़ जाता है, और अगर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है तो भी ये फोर्स बढ़ जाता है. नेक्स्ट द लॉज गवर्निंग आइडियल गैस बिहेवियर. कौन कौन से लॉज हैं जो आइडियल गैस बिहेवियर को गवर्न करते हैं, चलिए एक एक करके जा लेते हैं. पहले बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, फिर चार्ल्स लॉ, देन एवोगाड्रोस लॉ को हम डिस्कस करेंगे. ये थ्री लॉज हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, कि ये थ्री लॉज जो हैं दैट कैन बी कम्बाइंड टुगेदर देन इट कॉल्स अ आइडियल गैस इक्वेशन. सो लेट अस डिस्कस नाउ. तो चलिए हम जान लेते हैं कि क्या क्या है लॉज जो आइडियल गैस बिहेवियर को के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो आइडियल गैस बिहेवियर के लिए फर्स्ट लॉ है हमारा वी इज इक्वल टू वन बाय पी. यहाँ पर क्या है, टी एंड एन आर कॉन्स्टेंट. इन दिस केस टेम्परेचर और एन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ. इसे ही हम बॉयल्स लॉ भी कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा V is proportional to 1 by P. Then next is V is proportional to T. जब वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है तो इसे हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ. ये बॉयल्स लॉ था और ये है चार्ल्स लॉ, वेयर P एंड N आर कॉन्स्टेंट. इफ यू विल टॉक अबाउट द V इज प्रोपोर्शनल टू N. V इज प्रोपोर्शनल टू N होता है, इसे हम बोलते हैं एवोगाड्रोज लॉ. एवोगाड्रोज लॉ. सो इसमें क्या होता है, इसमें P एंड T मतलब प्रेशर और टेम्परेचर बोथ आर कॉन्स्टेंट. तो ये तीन अलग अलग लॉज को जब मिलाकर जब हम कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल इक्वेशन हमें मिलता है, दैट इज इक्वल टू V इज प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी. अगर आप इसे कंबाइन करेंगे सो इफ वी विल राइट इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशन सो वट वी विल गेट पी वी इज इक्वल टू पी वी इज प्रोपोर्शनल टू एन टी. सो इसके यहाँ पर एक हम फार्मूला डिराइव करते हैं, दैट इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, ये एक डिराइव हो गया हमें इक्वेशन. सो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन है, ये कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन. इसमें P क्या है, तो P इज इक्वल टू प्रेशर है, V इज इक्वल टू वॉल्यूम है, N यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस है, और अगर R की बात करें R यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, हमने प्रोपोर्शन साइन यहाँ से हटाया है तो एक कॉन्स्टेंट डाला है R, और T इज इक्वल टू टेम्परेचर. सो फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन density that is D is equal to PM by RT होता है, जो जैसे कि जिसमें कि M is equal to molecular mass होता है. चलिए इसे हम क्लियर करते हैं और next हम देख लेते हैं कि from ideal gas equation density that is D is equal to from ideal gas D is equal to PM by RT होता है. and what is PM and RT here, so M इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास. यहाँ पर जो M है ये इसकी वैल्यू, इसका मतलब होता है मॉलिकुलर मास. और न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ R, R जो होता है ये हो सकता है 0.0821 लीटर एटम पर मोल पर केल्विन हो सकता है, और इसके बहुत ही वेरिएबल R की वैल्यूज हो सकते हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द आइडियल गैस. आइडियल गैस, व्हाट इज आइडियल गैस. So if we will talk about the ideal gas. So ideal gas, the gas which obeys the equation, जो हमने अभी equation पढ़ा PV is equal to NRT.
तो जो भी गैस इसको फॉलो करते हैं, इस रूल को ओबे करते हैं, सो दैट ऑल गैसेस और एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर रेंज स्ट्रिक्टली इज नोन एज आइडियल गैस. सो व्हाट आर रियल गैस, सिंस नन ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स स्ट्रिक्टली ओबे द इक्वेशन. अब ये भी सच है कि इसको जो फॉलो करते हैं वो आइडियल गैस कहलाते हैं, लेकिन हमारे एटमोसफियर में कोई भी ऐसा गैस नहीं प्रेजेंट है जो कि इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है. सो ऐसे केस में क्या होता है, हेंस दे आर नोन एज रियल गैस और नॉन आइडियल गैस. तो ऐसे केस में हम सारे गैसेस जो होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो हम उसे बोलते हैं रियल गैस और नॉन आइडियल गैसेस. सो व्हाट आर रियल गैस, रियल गैस बिहेव्स आइडियली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. सो रियल गैसेस आइडियल गैस का बिहेव करते हैं जब वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर उनको डाला जाता है. नेक्स्ट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. सो लॉ फार्मूलेटेड बाय जॉन डाल्टन इन 1801 में जॉन डाल्टन ने लॉ दिया था जिसमें उन्होंने कहा था एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस. सो यहाँ पे प्रेजेंट किया था मिक्सचर को, उन्होंने दिखाया था कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सोना. सो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम होगा तब. और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या है, तो इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन टू टोटल प्रेशर. सो अगर बात करेंगे N1, N2, N3 आर इफ द मोल्स ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस फिल्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर T. सो ऐसे केस में क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ पर PV इज इक्वल टू हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 RT. So this is the equation of states of a gaseous mixture. ये equation है states of gaseous mixture का. Next topic is aqueous tension. Aqueous tension क्या होता है? Aqueous tension, if we will talk about the aqueous tension. So aqueous tension है, it is a pressure exerted by a water vapors at a particular temperature. It depends upon the temperature. So pressure of a dry gas can be determined by Dalton's law. When a gas is collected over water, its observed pressure is equal to the sum of pressure of dry gas and the pressure of water vapor. That is aqueous tension. Then pressure of a dry gas. Yahan pe pressure of a dry gas. So pressure of a dry gas यहाँ पे equal होता है pressure of moist gas minus aqueous tension. Pressure of moist gas minus aqueous tension के बराबर होता है यहाँ पे. तो ये है इक्वेशन फॉर एक्वस टेंशन. एक्वस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर वेपर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. चलिए नेक्स्ट हम जान लेते हैं काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ आइडियल गैस. ये क्या होता है काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ आइडियल गैस. सो द मेन एजप्शन ऑफ दिस थ्योरी आर क्या क्या है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हम थोड़ा सा इसे जान लेते हैं कि काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ आइडियल गैस क्या है. सो द मेन कंजप्शन